हिमाचल आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर के भोरंज में विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां सीएम राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। करीब 1:30 बजे कंजियाण हेलीपैड पर वो उतरेंगे। वहां से खुरल पुल, चंद्रूही, नगरोटा, गाजिया, बधानी, बजहोर समेत अन्य गांव में राहत और पुनर्वास कार्यों का वो निरीक्षण देखेंगे और आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो अपने गृह जिले हमीरपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम सुक्खू और भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का वो एक साथ आज दौरा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम दौरा कर रहे हैं और आज हमीरपुर में भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का वो दौरा करेंगे। 1:30 बजे कंजियाण हेलीपैड पर सीएम सुक्खू उतरेंगे और वहां कई गांव का आज निरीक्षण करेंगे। राहत बचाव कार्य किस तरीके से वहां चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे और बाढ़ से जो गांव प्रभावित हुए हैं वहां पर प्रभावितों से भी आज सीएम मुलाकात करने वाले हैं। राहत और पुनर्वास कार्यों को भी देखेंगे। बहुत से गांव ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश की वजह से उजड़ गए हैं, लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में सीएम सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले कई गांव में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। राहत बचाव कार्य किस तरीके से वहां पर चलाए जा रहे हैं उनकी भी सीएम आज समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सीएम सुक्खू बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले आपको ज्ञात होगा सरकाघाट, धर्मपुर, कुल्लू, आनी, तमाम उन इलाकों का सीएम सुक्खू ने दौरा किया था जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। और अब हमीरपुर की तरफ सीएम ने रुख किया है, जहां भोरंज विधानसभा के कई गांव का सीएम दौरा करेंगे। वहां पर किस तरीके से पुनर्वास और राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं उनकी सीएम समीक्षा करेंगे। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से सीएम खुद विधायक हैं, हमीरपुर उनका गृह जिला है। ऐसे में हमीरपुर का उनका दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 1:30 बजे कंजियाण हेलीपैड पर सीएम सुक्खू पहुंचेंगे। दोपहर में ये दौरा सीएम का प्रस्तावित है, जहां पर बाढ़ प्रभावितों से फिर वो मुलाकात करेंगे। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा सीएम को करनी है और 1:30 बजे के आसपास सीएम सुक्खू हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। और आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां प्रदेश में अब तक 379 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अभी भी 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 8,604 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी भी 281 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब तक 332 विद्युत ट्रांसफार्मर्स प्रभावित हैं। 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। 300 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई है। 38 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। 8,604 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से अगर माना जाए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। अभी भी 281 सड़कें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं और यह सरकारी आंकड़ा है। बहुत से ऐसे गांव अभी भी हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। बिजली वहां पर गुल है। विद्युत ट्रांसफार्मर 332 है जो अभी पूरे तरीके से ठप पड़े हुए हैं। वहीं बारिश से भारी नुकसान पहाड़ों की रानी शिमला को भी हुआ है, जहां पर अब तक मानसून में 1400 से ज्यादा पेड़ों को नुकसान हो चुका है। इसमें से 563 पेड़ गिर चुके हैं, जबकि 840 गिरने की कागार पर पहुंच गए हैं। जबकि घरों और कॉलोनियों के लिए खतरा बने 213 पेड़ों को काटा भी जा चुका है। तो 1400 के आसपास ऐसे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं। कुछ पेड़ों को काट दिया गया है, कुछ पेड़ गिरने की कागार पर है। 281 पेड़ ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स और रास्तों को नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्हें नगर निगम ने उनकी कटाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में 800 से ज्यादा पेड़ ऐसे हैं जो गिरने की कागार पर हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का ज्यादा जानकारियों के साथ, बारिश से मची तबाही पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो जिस तरीके से जानमाल का नुकसान हुआ है, संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को तो नुकसान हुआ ही है, सड़कों को, जो बिजली परियोजनाएं हैं उनको, जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको भी खासा नुकसान इस दौरान पहुंचा है। ऐसे में एक बड़ी खबर निकलकर आई है पहाड़ों की रानी शिमला से, जहां पर 1400 से ज्यादा ऐसे पेड़ हैं
जो गिरने की कागार पर हैं और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही काटने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। जरा तफसील से बताइए किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है और क्या हालात वहां पर इस वक्त हैं। बिल्कुल जैस्मीन, करीब 1400 से अधिक पेड़ हैं जो या तो गिर चुके हैं या तो गिरने की कगार पर हैं या फिर उनको काट दिया गया है। अब 500 से अधिक, करीब 800 का अनुमान लगाया जा रहा है, जो राजधानी का क्षेत्र है पहाड़ों की रानी में, कि 800 के करीब पेड़ हैं जो गिर चुके हैं। और इसके अलावा कुछ एक पेड़ अभी भी ऐसे हैं जो खतरनाक बन चुके हैं, जिनकी स्थिति खतरनाक हो चुके हैं, या तो वो टेढ़े हो चुके हैं या तो फिर उनकी जड़ों से मिट्टी निकल चुकी है, तो वो कभी भी गिर सकते हैं, ऐसे पेड़ भी हैं। इसके अलावा 300 से अधिक पेड़ हैं जिनकी एप्लीकेशन लोगों की तरफ से दी गई है सरकार को, SDM को, वन विभाग को या नगर निगम को, कि इन पेड़ों को काटा जाए क्योंकि वो खतरनाक बने हुए हैं उनके घरों के लिए और कभी भी गिर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1400 से ऊपर ये आंकड़ा है और अब आशंका जताई जा रही है कि 1500 से करीब ये पेड़ हो जाएंगे जो केवल राजधानी के क्षेत्र में है, शिमला के क्षेत्र में, शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण के कुछ एक क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। और ये एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर आपदा की दृष्टि से देखिए। और दूसरी दिक्कत अब ये आने वाली है कि इन पेड़ों के स्थान पर प्लांटेशन की क्या प्रोसेस अब सरकार की रहने वाली है, नगर निगम की रहने वाली है, क्योंकि अधिकतर पेड़ जो शिमला शहर के आसपास के हैं और शिमला शहर के अंदर हैं, उनकी 100 साल से अधिक उम्र उनकी हो चुकी है, तो ऐसे में अब इनको भी खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि अब जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि लोग घर पेड़ों के नज़दीक बना रहे हैं, जिसके कारण फिर उसके बाद एप्लीकेशन देकर पेड़ों को असुरक्षित बता रहे हैं। तो अपने अपने दावे दोनों तरफ है, दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि घरों के ऊपर पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। अब तो तमाम चीज़ें हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी है, जिस प्रकार से नुकसान पेड़ों को पहुंचा है, क्योंकि शिमला पहले बहुत बड़ी संख्या में पेड़ यहां पर है, तो ऐसे में जो पर्यावरणविद है और प्रकृति प्रेमी है वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ सुरक्षित रह जाए और कंस्ट्रक्शन को शिमला में बैन किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ विकासात्मक रुख भी एक तरफ है, लोग लगातार घर बना रहे हैं और नियमों की पालना की बात भी कही जा रही है कि जो TCP के नियम हैं उनको फॉलो किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, तमाम दावे अपनी तरफ है, लेकिन आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। केवल राजधानी क्षेत्र में ही 1400 पेड़, करीब 1500 तक की आंकड़ा धीरे धीरे पहुंच जाएगा जैसे जैसे सितंबर महीने की शुरुआत अगर हम देखेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। इन 1400 पेड़ों में भी जैस्मिन, जो जंगल वाला एरिया है वो काउंट नहीं है। अब चाहे वो कैचमेंट का एरिया शिमला के आसपास का है, जाखू हिल्स का एरिया है, या फिर दूसरी तरफ जो तमाम कैचमेंट एरिया है, जंगल है, वहाँ कितना नुकसान जंगल के अंदर हुआ है वो अभी तक काउंट नहीं किया जा सका है, और ना ही इतना समय भी अभी वन विभाग के पास नहीं है, क्योंकि जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पर अब रिस्टोरेशन और तमाम चीज़ें की जा रही है। लेकिन अब शहर की राहत की बात यह है कि सड़कों से जो पेड़ गिरे थे उनको फिलहाल हटा लिया गया है प्रशासन की तरफ से, और अब जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा जहाँ डंगे लगने की प्रोसेस है या फिर मलबा हटाने की, जहाँ किनारे मलबा किया उसको हटाने की प्रोसेस है, वो अब शुरू हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि वन विभाग ये तमाम प्रोसेस अब शुरू हो जाएंगे। और शिमला वो स्थान है जहां पर एशिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अपने आप में स्थित है, और ऐसे में जब शिमला से पेड़ों को काटे जाने की और पेड़ों के गिरने की खबरें आती हैं तो ये गंभीर चिंता का, गंभीर चर्चा का विषय जरूर है। राजेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, भारी नुकसान हुआ है जो आपको बता दें, जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 177 जल आपूर्ति परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, कुछ सड़कें अभी भी है, 38 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर अब किस तरीके से चर्चा शुरू हो गई है, किस तरीके से रेस्टोरेशन का जो काम है वो अलग अलग जगह पर शुरू हुआ है। राजेंद्र, अब आज उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश के सभी NH खुल जाएंगे, लेकिन थोड़ी खबर चिंताजनक इसलिए है कि कांगड़ा के कुछ एक क्षेत्र और ऊना में काफ़ी तेज बारिश शुरू हुई, और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रेडिक्शन भी जताई जा रही है कि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, इस रीजन में बारिश आज हो सकती है, और कांगड़ा और ऊना के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश शुरू भी हो चुकी है। तो ऐसे में
वहाँ आज कितनी बारिश होती है उससे कितना काम प्रभावित होगा ये थोड़ा चिंताजनक विषय रहेगा। लेकिन बाकी हिमाचल प्रदेश के रीजन में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज बारिश बहुत कम होगी जरूर, क्योंकि येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है, तो हल्की फुल्की बारिश इन क्षेत्रों में हो सकती है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पुनर्वास कार्य है वो प्रभावित नहीं होंगे। और ऐसे में अगर पुनर्वास कार्य जारी रहते हैं तो सभी NH आज उम्मीद लगाई जा रही है कि खुल जाएंगे प्रदेश के, और सड़कें 250 के करीब सड़कें बंद हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 100 के आसपास सड़कें ही बचेंगी जो खोलने के लिए होंगी, बाकी सड़कें आज खोल दी जाएंगी। ऐसे में इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को कंटिन्यू रखने के लिए आज कट लगाए गए हैं कुछ क्षेत्रों में, खासकर जो खलीणी उपमंडल है उस एरिया में आज पूरा दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कट लगाया गया है बिजली का। पूरा रिस्टोरेशन वर्क किया जाएगा, पेड़ों को काटने का काम, जो तारों के साथ पेड़ लगे हैं या फिर जहां पर कुछ दिक्कत आ रही है उसको विद्युत आपूर्ति को ठीक किया जाएगा। जल आपूर्ति की दिक्कत राजधानी क्षेत्र में भी हो रही है, पूरे प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ अभी भी पानी नहीं आ रहा है। अब राजधानी शिमला के ही विकास नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 6 दिनों तक पानी बंद रहा, पानी बाधित रहा, और लोगों को जो नेचुरल सोर्सेज आसपास के थे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। हालांकि पिछले कल सुबह पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है, लेकिन बहुत सी लाइनें अभी भी टूटी पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं, और यही हालात प्रदेश के अनेक स्थानों पर है जहाँ लैंडस्लाइड के कारण लाइनें गिरी हैं, टूटी हैं, और इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज से जहाँ पानी आपूर्ति की जाती थी वहाँ नेचुरल सोर्सेज भी बाधित हुए हैं। लिफ्टें जहाँ से पानी पंप किया जाता था वहाँ पर नदियों के तेज बहाव के कारण, नालों के तेज बहाव के कारण वहाँ पर भी प्रभावित हुए, तो पानी की सप्लाई को सुचारू करने में समय लग सकता है कुछ, लेकिन विद्युत आपूर्ति उम्मीद लगाई जा रही है कि 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में ठीक हो जाएगी। ठीक है राजेंद्र, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन का काम पूरे तरीके से चल रहा है, जैसे जैसे मौसम साथ दे रहा है वहां वहां पर रेस्टोरेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, और जहां पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट बारिश का बना हुआ है वहां पर काम थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। राजेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ती हूँ और मंडी से आपको खबर देंगे, जहां HRTC और स्थानीय लोगों के बीच एक विवाद गहरा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के DM के आदेशों पर नेला वार्ड में कुछ लोगों के घरों के बाहर जाले लगा दिए गए हैं। निगम ने बकायदा इन जालों को लगाने के लिए टेंडर निकाले और ये अब जाले लगाने का काम कर दिया गया है। हालांकि लोगों के घरों के लिए बने रास्तों पर ये जाले नहीं लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन रास्तों पर भी जाले लगाने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय निवासी अनिल बहल, अशोक शर्मा, विजय शर्मा और सोनिया ने बताया कि जिस रास्ते को निगम वाले बंद कर रहे हैं वो रास्ते सदियों पुराने हैं। निगम अवैध कब्जे का हवाला दे रहा है, जबकि किसी ने भी निगम की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। इन लोगों ने इसका समाधान करने की गुहार लगाई है। स्टेट टाइम से, राजाओं के टाइम से जो पेंडा बना हुआ था उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनली लैंड HRTC की नहीं थी। HRTC ने बीच में 70s के दशक में, शायद 65 के बाद से 70 के दशक में इस लैंड को प्राइवेट लोगों से खरीदा, उनसे खरीदा और अपने कब्जे में लिया। उस वक्त भी डिमार्केशन हुई होगी, लेकिन पेंडे को बंद नहीं किया गया और रास्तों को बंद नहीं किया गया। अब सडनली 50-60-70 साल के बाद उनको कौन सी याद आ गई, कौन सा ऐसा अफसर आ गया जिसके दिमाग में यह बात आ गई कि हमारी जमीन एनक्रोच हो गई है। परंतु हमने कोई कब्जा नहीं किया है और नगर परिषद ने 2-3 बार इसमें कंक्रीट डाली गई और उसमें टाइलें डाली गई। 2012 में, 2017 में दोबारा 7 लाख रुपए की टाइलें डाली गई, परंतु एक कुछ उन्होंने उस समय कहाँ सोए हुए थे और आज हमारे घर जो पिंजरों की तरह बंद कर रहे हैं और हमारे आने जाने के लिए जो है ना कोई सुविधा नहीं छोड़ रहे हैं। 25-30 साल हमें भी यहाँ रेजिडेंस बनाए हुए। अब जैसे जब हमने घर बनाया था तो रेता बजरी सीमेंट सारा हमारा यहाँ से गया था। ये हमें नोटिस करते, हम नहीं बनाते। हमारे साथ कैप्टन साहब हैं यहाँ पे आर्मी से, सारी उम्र इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्मी में सेवा करते लगा दी, सारा पैसा इन्होंने अपना काम पे लगा दिया। आज इनके घरों को भी बंद कर, क्या इनको यही सिला मिल रहा है इसका? तो मैं परिवहन निगम से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा ये जो मसला जो है ये हल करें, एमिकेबली जैसे भी हल हो जाए। लड़ाई की स्थिति ये पैदा कर रहे हैं, हम लोग तो इनसे बार बार रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। और हमारे को यहाँ 50 साल हो गए रहते हुए,
और ये रास्ता 100 साल का है। बुजुर्ग भी यहाँ से जाते हैं और देव देवते सब जो भी है, अर्थी जो कुछ भी है, इस रास्ते से ही जब से हम आए हैं यही रास्ता था, और हमारे को रास्ता चाहिए और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। और दून हल्के की पंचायत साई पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रभावितों को मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि लोगों को घर और जमीन दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र सरकार से हिमाचल को जो भी मदद आई है उसे हर प्रभावित तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग यहां पर विस्थापित हुए हैं जिनके घर इस बारिश के कारण तबाह हो गए हैं, उनको राहत की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से जो मदद प्रदेश के लिए भेजी गई है वो मदद इन पात्र व्यक्तियों तक, इन लोगों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। घर मिले और घर यही नहीं मिले, ज़मीन भी मिले, ताकि इन लोगों के अपने परिवार के पालन पोषण का जो जरिया था उसमें रह करके काम करने का मौका मिले। आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नाचन में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आशा थी कि त्रासदी के इस दौर में प्रधानमंत्री अपने दूसरे घर की ओर जरूर ध्यान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने हिमाचल को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला, जिसका उन्हें बहुत दुख है। प्रधानमंत्री जी, आप इलेक्शन के वक्त में भी आए, आप मंडी भी आए, आप कुल्लू भी आए, आप शिमला भी आए, और हर मीटिंग में आपने जनसभा के सामने ये कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश की उन्होंने भौगोलिक स्थिति का परिचय दिया, कितने सुंदर पहाड़ है, इतनी सुंदर बस्तियां हैं, इतना सुंदर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के व्यंजनों की उन्होंने तारीफ की, चाहे सेपू बड़ी की बात की, चाहे बदाना की बात की, और फिर अंत में ये कहा कि दूसरा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। हमें बहुत आशा थी कि जब ऐसा हुआ तो आप अपने घर को देखेंगे, चलो दूसरा ही घर सही, पर दूसरा घर आपका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी हिमाचल प्रदेश की त्रासदी के बारे में नहीं कहा, जिसे मुझे व्यक्तिगत भी बहुत दुख लगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आपदा को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए हैं और हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने मात्र 200 करोड़ का अनुदान दिया है। इससे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं। तो हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हिमाचल में आई इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित जाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, और ये समझने की बात नहीं है, ये तथ्य है, हिमाचल प्रदेश है तो भारतीय गणतंत्र है, उसका एक राज्य है और एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थापना इसके आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई, बल्कि यहाँ की जो अलग संस्कृति है, यहाँ की जो अलग सभ्यता है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, उसको ध्यान में रखते की गई है। और ये राज्य जब बना था तब से ही ये स्थापित था कि इस राज्य की जो आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से होनी चाहिए, और इसी वजह से इसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा जो था उसको दिया गया था। तो वो प्यार, वो आशीर्वाद केंद्र की तरफ से प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक तो हमारी ये मांग है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें जो है केंद्र सरकार हिमाचल के लिए अपने तौर पर कर सकती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आपदा को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए और हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, बावजूद उसके केंद्र सरकार ने मात्र 200 करोड़ का ही अनुदान दिया है। नमस्ते, हिमाचल कहाँ से आ गए?
और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौड़ी के गांव नवानगर और माजरी में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राम कुमार ने कहा कि आपदा के दुख क्षणों में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। यहां राम कुमार ने उपायुक्त को प्रभावितों को भूमि उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। घरों के तो पहले यहां माजरी में परसों चौथे तीन चार घर क्लैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पर उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है वो दर गई है, नीचे बाल खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके, उसको उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं उसकी वजह से हमारे एसडीएम साहब एडीएम साहब सोलन यादव जी बीडीओ साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, आईपीएच डिपार्टमेंट साथ है, तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे। इसका जो डिसीजन हमने किया है कि अभी वहाँ क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं पाएगी, कंक्रीट हम कर नहीं पाएंगे, मशीन भी नहीं जाती है, अगर उसको छेड़ेंगे तो पहाड़ी जो है वो और खिसक जाएगी, उससे जो बहुत बड़ा बांध वहाँ बन सकता है। तो उसको हमने सारा उसका जो लेवल है वो चेक करवाया, अप स्टीम काफ़ी अप है और वो जहाँ गिर रहा है वो डाउन है, तो अगर 10-15 मीटर पानी भी वहाँ रुकता है तो खतरे वाली बात नहीं, वो सब ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग आए थे, उसका सर्वेक्षण हमने किया जॉइंटली। तो अब एडीएम साहब जो है वो अपना सोई साई और सौड़ी एरिया में जाएंगे और बाल खड्ड में कुछ इंडस्ट्रीज को जो है वो बाढ़ लगी हुई है बाल खड्ड के ऊपरी साइड, वहां पे भी हमने डायवर्जन का काम शुरू किया है। पांवटा साहिब से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाने की अपील की है। सुखराम चौधरी ने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर ताल में 9 अगस्त को बादल फटने की घटना के बाद यहां भारी नुकसान हुआ है, लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन यहां बह गई है और लोगों की उपजाऊ जमीनें यहां अब बंजर बन चुकी हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द प्रभावित लोगों को मदद देनी चाहिए। पांवटा विधानसभा क्षेत्र में या पूरे जिला सिरमौर में बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान हुआ है। सिरमौरी ताल में बहुत सी फसलों का नुकसान हुआ, धान की फसल तबाह हो गई, सैकड़ों बीघा ज़मीन बंजर बन गई, पत्थर पड़ गए उसमें। सीढ़ी खतवाड़ में भी ऐसा ही बहुत सा नुकसान हुआ है, अजी वाला गाँव में बहुत नुकसान हुआ और धान की फसल का नुकसान पीपली वाला गाँव भगवान पर कीर्तपुर पुरू वाला इन सब जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमने सरकार से मांग की है कि इन लोगों की फसल की भरपाई की जाए, इनको जो है विशेष से जो है उचित सहायता करके इन लोगों का जो है उसकी भरपाई करने का सरकार प्रयास करे और जो खेत बंजर हो गया जहां पर जो है पूरी फसल तो फसल में पत्थर पड़ गया इनके खेतों में, उनको प्लेन करके उनको पुनः खेत बनाकर लोगों को दिया जाए, या फिर उनकी अगर वो नहीं बन सकते हैं वहाँ खेती नहीं हो सकती उनको अल्टरनेट जमीन दी। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।